काफी सारे बच्चों और पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते कि सर क्या हमें एक ड्रॉप लेना चाहिए आईआईटीज या नीट का तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हमें डिसाइड करेंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th में पढ़ाई नहीं करते, सोचते हैं अभी तो कुछ है नहीं, 12th बोर्ड आएगा तो पढ़ लेंगे। बट 12th में जब जाते हैं तो बोर्ड की तैयारी करते हैं और साथ में लगता है यार आईटी भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके काफी सारे फ्रेंड होंगे जो आईटी दे रहे होंगे, तो वहां पे मुझे लगता है कि आप केवल 12th की तैयारी किए जो कि बोर्ड की तैयारी किए और साथ में आईटी भी दिए। हो सकता है आईटी के लिए आपने तैयारी भी की या नीट के लिए तैयारी आपने किया, अच्छे से तैयारी किया, उस केस में आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काफी सारे 11th के कॉन्सेप्ट 12th में यूज होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि 12th का जो 55% आईटीज और नीट में क्वेश्चन आते हैं और 45% 11th से आता है, तो आप सोचेंगे सर सिलेक्शन तो 35% पे कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो अगर हम 12th की तैयारी किए हैं तो 55% तो तैयारी किए हैं ना, इस बेसिस पे तो हो जाना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उसके लिंक होते हैं 11th से भी, और 11th जो है आपका बिल्कुल बेसिक और फाउंडेशंस टाइप पे आपको एक उस लेवल पे ले जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग वहां पे आपको ड्रॉप लेना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। कुछ इस तरीके के बच्चे होते हैं 11th भी तैयारी किए 12th किए बट ओनली बोर्ड की तैयारी की उन्होंने, बोर्ड में काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, हो सकता है 90-95% या जो भी है उस तरीके का मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने आईटी और नीट का तैयारी नहीं किया, तो वहां पे वो बच्चे अपना ड्रॉप लेके एक साल तैयारी कर सकते हैं। बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट घर पे 6-7 hours सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, और वो भी एटलीस्ट 8 months की तैयारी होनी चाहिए, 6-8 months बोल सकते हैं। अगर इतना आप में कैलिबर है कि मैं अपना टाइम दे पाऊंगा और आप में पोटेंशियल तो ऑलरेडी है, आप लोगों में कर सकते हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं और पूरा माइंडसेट अगर रेडी कर लेते कि मुझे सर ये तो एग्जाम क्रैक करना ही है, तो हो जाएगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है। थर्ड कैटेगरी क्या है, किसे करना चाहिए ड्रॉप लेना चाहिए? तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 11th भी किए 12th भी किए आईटी का प्रिपरेशन किए साथ में सब कर रहे हैं, हो सकता है 11th 12th किए और 12th में अच्छा मार्क्स आ गया बट आईटी में नहीं हुआ, तो नहीं होने के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके साथ कुछ घर में ऐसी ट्रेजेडी हो गई हो या बाई चांस कोई ऐसा फैक्टर हुआ जिसके कारण नहीं हुआ, तो वहां पे भी उन्हें भी एक ड्रॉप लेना चाहिए, और ड्रॉप लेके आपको बिल्कुल 6-8 months 100% अपना देना पड़ेगा, उस केस में मुझे लगता है आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो एक कैटेगरी होता है कि आपने 11th किया 12th किया आईटी भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक अच्छे से प्लान नहीं कर पाए, चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए, जैसे 11th 12th कर रहे थे आईटी भी कर रहे थे, कभी आपका प्री बोर्ड आ रहा है कभी बोर्ड आ रहा है कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, और आप स्कूल में भी बिजी हैं, आपको कोचिंग में भी जाना है, तो वहां पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों का काफी सारा वहां पे कंफ्यूजन होता है, अरे क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वहां पे अगर इनकेस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया या सेकेंड अटेम्प्ट आपने जो भी दिए उसमें नहीं होता, तो फिर वहां पे भी एक आपका चांस बन रहा है कि एक साल आप ड्रॉप ले सकते हैं, बट एक साल से ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर आपने 12th किया एक साल आप ले लो, बट वो एक साल अपने ऐसा मानो कि जिंदगी में मुझे बिल्कुल निकालना ही है निकालना है, ऐसा नहीं कि आईटी ही है, आईटी नहीं भी है तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप हार्डवर्क करना सीख गए या लाइफ में अपना डेडिकेटेड उस चीज को दे दिए तो। बट एजेंडा है क्या, हमारा पर्पस क्या है, आईटी और नीट को क्रैक करना, तो सही प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ 6-8 months अगर तैयारी कर लेते हैं और 6-8 hours टाइम देंगे तो मुझे लगता है आपके सिलेक्शन पक्के हैं। और बात करें चांसेस, रियलिटी यही है कि 1% ही सिलेक्शन होना है, मींस अगर 15 lakh स्टूडेंट दे रहे हैं तो वहां पे 15,000 ही बच्चे आईटी एडवांस में सिलेक्शन होते हैं, अगर नीट की बात करें तो उनका भी कुछ ऐसा ही है, 1-2% सिलेक्शन है, मींस आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ओनली 1-2 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होना है। बट एक चीज और इम्पोर्टेंट है साथ में कि जो भी तैयारी करते हैं उसमें से मुझे लगता है 20% स्टूडेंट ही सीरियस है, मींस एज एग्जांपल लोग 10 lakh स्टूडेंट्स आईटी का दे रहे हैं तो 2 lakh स्टूडेंट ही सीरियस है, 2 lakh में से होना कितने को है, मान कर चले 25-30,000 बच्चे को आईटी और नीट उस तरीके से कमाई करके अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे,
फिर भी देखा जाए ओवरऑल 2 लाख का 25,000 तो वो भी कम नहीं है, आपको देखा जाए तो 12-13% है, जो कि एक अच्छा होता है, अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो आप इस तरीके से आप अपने डिसाइड कर सकते हैं कि सर मुझे प्रॉप लेना चाहिए या नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।